हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रिकॉर्ड ज्ञान। सो टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज जो वीडियो रहने वाली है वो कट कॉपी और पेस्ट के बारे में रहने वाली है। बट आपने जो है वो इसके बारे में बहुत ही बार सुना होगा कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, विंडो आर प्रेस करा, बिन वर्ड लिखा, एंटर प्रेस करा, वर्ड हमारे पास ओपन होके आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कट कॉपी पेस्ट किस तरह से करते हैं। ठीक है, मैं एक एज ए बिगनर जो है वो किसी को नहीं भी पता है, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज राहुल। ठीक है, आई एम करंटली चंडीगढ़। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। आपने क्या करा, सिलेक्ट करा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो इसे माउस यहाँ पे ले गया, क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपने किसी भी चीज को कॉपी करना है तो फर्स्टली किसी भी चीज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होता है। मैंने सिर्फ राहुल को यहाँ पे कॉपी करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी यहाँ पे तीन तरीके हैं, या तो यहाँ पे माउस लाके राइट क्लिक करो कॉपी, नहीं तो क्या करना है आपने यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, या फिर सीधा डायरेक्टली कंट्रोल सी कर दो। ठीक है, कॉपी हो गया। तीन तरीके बता दिए मैंने आपको। अब आपने क्या करना है, जहां भी आपने इसको पेस्ट करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए कंट्रोल, मैं पहले बता देता हूँ इसके भी दो तीन तरीके हैं। या तो कंट्रोल बी प्रेस करो, या तो राइट क्लिक कर, यहाँ पे माउस लाके राइट क्लिक करके पेस्ट प्रेस करो। अब आप क्या करोगे, स्पेस आपने दे दिया, उसके बाद या तो यहाँ पे आप पेस्ट प्रेस करो। इसके भी तीन तरीके थे, मतलब कॉपी और पेस्ट के तीन तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। तो आप किसी भी तरीके से कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ कि आप जो है वो कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसको वर्ड पैड में करो, चाहे नोट पैड में करो, कहीं भी आप उसको कॉपी कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपने उसको कॉपी करना है, जहां मर्जी करना है वहां आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक कॉपी के बारे में आपको फैक्ट बता देता हूँ कि कॉपी जो होती है एक्सेल में, उसको कॉपी करने का तरीका बड़ा अलग है। वो जो जब मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के ट्यूटोरियल में बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं अभी भी बता देता हूँ कि जिस भी आप सेल को कॉपी करते हो ना, जैसे कि एक कोई सेल है, ठीक है, इसको आपने कॉपी करा, तो वो क्या करेगा, वो ना डॉटो डॉट लाइन जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट कर देगा डॉटो डॉट लाइन। तो फिर आप यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक करोगे ना, तो आप क्या करोगे, वहां पे पेस्ट करोगे। ठीक है, बट वो डॉटेड लाइन चल रही है। आप एक चीज नोटिस करना, वो जब तक चलेगी ना डॉटेड लाइन, तब तक उसको पेस्ट करेगा वो। ठीक है, तब तक उसको पेस्ट करेगा। बट अगर आपने किसी सेल में बैक स्पेस प्रेस कर दिया, आपने बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तब ये डॉटेड लाइन हट जाएगी। ठीक है, तब उसको पता नहीं रहेगा कि किसको कॉपी करना है, डॉटेड लाइन हट गई वहां से। ठीक है, बेशक आपने उसको कंट्रोल सी कॉपी कमांड दी थी, ठीक है, कॉपी कमांड दी थी, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, कॉपी नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, जब मैं आपको बताऊंगा। तो ये कॉपी का मेन डिफरेंस रहता है, वर्ड में कॉपी करना और एक्सेल में कॉपी करना। तो मेन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से कॉपी होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कट। देखो, कट और डिलीट में बड़ा ही एक ऐसे सिमिलर जो है ना, सिमिलर हम बोल सकते हैं। अब देखो, ये जो चार लाइनें थी, क्लिक ड्रैग टू डाउन, क्लिक ड्रैग टू लेफ्ट टू अप, किसी भी तरीके से सिलेक्ट करो। मैंने इसको डिलीट करना है, मैंने ऊपर वाले को नहीं करना, इसको नहीं करना मैंने डिलीट। ठीक है, मैंने इसको करना है डिलीट। तो किस तरह से करना है, तीन ऑप्शंस हैं। माउस ले जाओ, राइट क्लिक करो, कट, यहां से भी कट हो जाएगा। आप कंट्रोल एक्स करोगे, ठीक है, कंट्रोल एक्स क्या होता है, कट की कमांड होती है। या तो डिलीट करने के भी चार पांच ऑप्शंस हैं, या तो कंट्रोल एक्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, कंट्रोल एक्स करा आपने, कंट्रोल एक्स कर दिया, या फिर आप क्या करोगे, प्रेस की बैकस्पेस की, या आपने बैकस्पेस की प्रेस करी। ठीक है, तो या फिर क्या कर दिया आपने, डिलीट बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स, कट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड दोबारा से आ गया, बैक स्पेस कट हो गया, कंट्रोल जेड दोबारा से आ गया, डिलीट कट हो गया। तो सेम फंक्शंस थे, मैंने आपको बता दिए कि किस किस तरह से हम इसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है हमारा
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कट कॉपी और पेस्ट का जो कि हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि हम जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कट कॉपी पेस्ट का क्या कंसेप्ट है। तो इसी तरह कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। हैव ए गुड डे, बाय बाय।